वेलकम टू इन्वेस्टर्स केयर। आज हम जिस सोसाइटी में आपको लेके आए हैं, ये आपको फॉल कर रही है एक अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, जहाँ से आप 5 से 10 मिनट की ड्राइव में एरो सिटी मोहाली जा सकते हैं, नॉन पोल्यूशन क्रिएट करने वाले इंडस्ट्रियल जोन्स में जा सकते हैं, आईटी सिटी मोहाली में जा सकते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ आपको इतने ही डिस्टेंस में यहाँ फॉल कर रही है। एक अच्छी मार्केट आपको सोसाइटी के अंदर भी मिल रही है और बाहर भी आपको एक अच्छा मार्केट यहाँ मिल रहा है। मल्टीपल हाईवे से आप कनेक्टेड भी हैं विद इन फ्यू मिनट्स ड्राइव के साथ। यहाँ पर आपको ऑपरेशनल अमेनिटीज़ मिल रही हैं, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और साथ में आपको यहाँ पे क्रिकेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट्स और बास्केटबॉल कोर्ट मिल रहा है, फुल बास्केटबॉल कोर्ट मिल रहा है और साथ में बहुत ह्यूज आपको यहाँ पार्क भी ऑफर हो रहा है। बहुत सारी अमेनिटीज़ के साथ यहाँ पे हमारे पास 3 BHK डिफरेंट लेआउट्स में अवेलेबल है, वो आपको ऑफर हो रहा है। आइए, लेट्स टेक यू वन ऑफ द लेआउट्स दैट्स रेडी विद अस फॉर ए सैम्पल फ्लैट। आइए, आपको लेके चलते हैं और देते हैं कुछ इंटीरियर टिप्स और आपको दिखाते हैं कैसा है ये फ्लैट। अब हम आ गए हैं हमारे एक्चुअल फ्लैट में, जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट एरिया आ जाता है और इस तरफ आती है स्टेयरकेस। यहाँ है हमारे एक्चुअल फ्लैट का डोर। आइए चलते हैं आपको फ्लैट के अंदर लेके। तो एंटर करते ही हम अपने हॉल एरिया में आ जाते हैं, जो एक अच्छा स्पेशियस हॉल एरिया है हमारे पास। यहाँ पर हमारा सोफ़ा सीटिंग, आप अपनी सोफ़ा सीटिंग जैसे आप प्लान करना चाहे वैसे कर सकते हैं, और सोफ़ा के सीधा सामने हमारे पास एक बड़े साइज़ का विंडो और डोर आ जाता है, जिससे एम्पल ऑफ सनलाइट आ रही है और साथ में हमारी एक बालकनी भी यहाँ अटैच है। और इस तरफ हमारे पास आ जाता है डाइनिंग एरिया, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, यू हैव टू डिसाइड आपने 6 सीटर लगाना है, 1 सीटर लगाना है, क्योंकि यहाँ अच्छी कैपेसिटी है हॉल की। आप अपने हिसाब से सोफ़ा की कैपेसिटी और डाइनिंग एरिया की कैपेसिटी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अ ह्यूज हॉल एरिया इज़ हेयर। उसके बाद इसी हमारे डाइनिंग एरिया के साथ इस तरफ हमारे पास, हमने इसे एक एडिशनल स्पेस है हमारे पास और हमने इसे डिज़ाइन किया है एज अ पूजा रूम। आप अपने हिसाब से, आप इसको स्टोरेज में दिखाना चाहते हैं, क्रॉकरी सेटअप करना चाहते हैं, या आपके हिसाब से जो यूज़ आपका अच्छा लगता है आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक अच्छा स्पेस आपको यहाँ मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास एक हॉल एरिया आपका अच्छा मिल रहा है और इस तरफ एक और स्पेस आ जाती है, जिसको हमने अभी डिज़ाइन किया हुआ है एज ए स्टोरेज। आप यहाँ पे अपने फैमिली फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं, साथ में आपको नीचे यहाँ पे हमने एज ए वर्क स्टेशन इसको बना दिया है, तो इन केस ऑफ स्टडी टेबल या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो भी आपका यहाँ हो सकता है, और नीचे आपके पास एडिशनल स्टोरेज है। और हमारे डाइनिंग एरिया के साथ में बिल्कुल हमारे को मिल रही है किचन, येट इट्स अ क्लोज्ड किचन। आपका यहाँ पे एक वॉल का सेपरेशन आ जाता है, जिसकी वजह से आपके सीधा किचन में कौन काम कर रहा है वो हॉल एरिया से पता नहीं चलता, तो प्राइवेसी है किचन के अंदर। और यहाँ पे आपको अच्छी फिटिंग्स भी ऑफर हो रही है, मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है, स्टोरेज का एम्पल आपको यहाँ इंतज़ाम मिल रहा है, अपर स्टोरेज भी है आपके पास, चिमनी का प्रोविजन है, साथ में यहाँ आपका जो नीचे लोअर स्टोरेजेस हैं वो भी आपकी प्लान्ड है, और इस तरफ आपके पास डबल सिंक मिल रहा है विद दिस सिंगल टैप, जो आपका मूवेबल है। अब हम चलते हैं हमारे किचन के साथ में जो बालकनी है वो इस तरफ है। ये अच्छी स्पेशियस बालकनी है, ज़्यादातर किचन के साथ जो बालकनीज होती है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, तो एक अच्छा वाइड बालकनी आपको मिल रहा है। इन केस यू वांट टू सेट अप अ वेट सिंक आउटसाइड तो वो भी आप कर सकते हैं, अच्छा एरिया तो वेट सिंक आपका यहाँ आ सकता है, वॉशिंग मशीन प्लान करनी है तो वो आ सकती है, वो सारी चीज़ें आप वेट एरिया अपना इधर प्लान कर सकते हैं। तो किचन में भी आपको गैस्ट पाइपलाइन मिल रही है, सिलेंडर का झंझट नहीं है, आपको गैस्ट पाइपलाइन यहाँ ऑफर हो रही है। इस तरफ आपका फ्रिज का प्रोविजन आ जाएगा, जो एक अच्छे साइज का फ्रिज है वो आपका यहाँ प्लेस हो सकता है। आइए अब आपको लेके चलते हैं हमारे जो रिमेनिंग रूम्स हैं, हमारे पास
3 BHK अकोमोडेशन है, तो 3 rooms हमारे एक फॉयर के थ्रू कनेक्टेड है, तो कंप्लीट प्राइवेसी है आपके, गेस्ट जोन से बिल्कुल भी नहीं दिखता कि आपके रूम्स में कोई भी पीप नहीं कर सकता, आपका रूम्स बिल्कुल गेस्ट जोन से दिखाई नहीं देते हैं। आपको एक फॉयर मिल रहा है, एक अच्छा वाइड फॉयर है, इसको भी आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं, दोनों तरफ आप वॉल्स प्लान कर सकते हैं, इंटीरियर अच्छा कर सकते हैं, स्टोरेज लगानी है वो लगा सकते हैं, तो एक अच्छा फॉयर एरिया है। और इस तरफ हमारे पास आया था फर्स्ट वॉशरूम, जो कि यूज हो सकता है एज अ कॉमन वॉशरूम, जो गेस्ट जोन के साथ भी चला जाएगा, आपके गेस्ट एरिया के साथ भी, और इस फर्स्ट रूम के साथ भी जा रहा है। वॉशरूम आपके अच्छे साइज का है, आपको इस तरफ बाथ फिटिंग्स मिल रही हैं, इन केस यू वांट टू पुट अ कर्टन पार्टीशन वो आप यहां कर सकते हैं, ग्लास पार्टीशन लगा सकते हैं, आपका वेट एरिया सेपरेट हो जाएगा। आपको एक वॉल माउंटेड यहां पे सीट मिल रही है, और इस तरफ आ जाता है आपका वॉश बेसिन, मिरर सेटअप आप इधर लगा सकते हैं, और नीचे इन केस यू वांट टू पुट अ वैनिटी तो वो भी हो सकता है। और यही हमारा डबल डोर है इस वॉशरूम में, तो हमारा जो दूसरा डोर है वो इस तरफ फर्स्ट रूम के तरफ ओपन होता है। आपको एक अच्छा रूम साइज यहाँ ऑफर हो रहा है, विड्थ वाइज विड्थ काफ़ी अच्छी है, आप अगर देखें तो प्रॉपर एक बेड के सेटअप के बाद दोनों तरफ एक अच्छा स्पेस बच रहा है, और आपको इस तरफ मिल रही है एक ह्यूज बालकनी जो कि एक अच्छे साइज की, और पूरा विंडो और जो डोर साइज है वो काफ़ी अच्छा है, तो अलॉट्स ऑफ सनलाइट और वेंटिलेशन आपके रूम में आता है। अब आपको यहाँ पे वार्डरोब भी मिल रही है, लेट मी शो यू दिस। आपको जो वार्डरोब मिल रही है वो आपकी कंप्लीट वॉल के अंदर फिट इन है, तो आपका रूम का एरिया नहीं वो घेर रही, और आपको जो वार्डरोब है उसके अंदर आपको प्रॉपर ब्लॉक स्टोरेज मिल रहा है, आप अपने सारे सामान को अगर ब्लॉक्स में रखना चाहते हैं तो एक साइड आपको ब्लॉक स्टोरेज मिल रहा है, और इस तरफ आपको मिल रहा है अपर स्टोरेज, हैंगिंग स्टोरेज, ड्रॉर्स, लोअर स्टोरेज, और फिर आपको शू रैक मिल रहा है नीचे, तो ये आपकी कंप्लीट वार्डरोब है विद एम्पल स्टोरेज, और अप टू सीलिंग ऑलमोस्ट इसकी हाइट है। ये हमारा फर्स्ट रूम है, और जिसके बाद कॉमन वॉशरूम भी अटैच है, और अब चलते हैं अपने सेकेंड रूम में। तो दिस इज आर सेकेंड रूम, यहाँ पे भी एक प्रॉपर साइज का बेड प्लेस करने के बाद एक अच्छी दोनों तरफ जगह बच रही है। इस तरफ यू कैन प्लान योर LED पैनल स्पेस, आप यहाँ पे LED पैनल लगा सकते हैं, और इस तरफ हमारे पास आ जाता है अगेन नाइस साइज ऑफ डोर एंड विंडो, और एक अच्छी डेप्थ वाली इस तरफ भी आपको बालकनी मिल रही है। प्लीज हैव ए लुक। यहाँ पे हमने 2 seats रखी हुई है, साथ में एक टेबल पड़ा है, कॉफी टेबल की तरह यूज हो सकता है, तो जो रूम आप जो लोग आगे बेडरूम में भी आ रहे हैं आपसे मिलने, तो उनके लिए भी एक बैठने के लिए बेड के अलावा यहाँ जगह बनी हुई है, जो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं किस तरह आपने उसको इंटीरियर में इंक्लूड करना है। जस्ट इंटीरियर सारा आपको जस्ट एन आइडिया के लिए दिया हुआ है, क्या क्या इंटीरियर के साथ आप इसको बिल्कुल सूदिंग और अच्छा बना सकते हैं। और इस तरह हमारे पास एक ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, जहाँ पे अगेन वी हैव अ फुल साइज वार्डरोब, जैसे पहले रूम की वार्डरोब थी सेम वैसे ही आपको स्टोरेज मिल रही है इसके अंदर भी। और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सेकंड वॉशरूम। सेकंड वॉशरूम में आपको सेम आपका बाथ फिटिंग्स, वॉल हंग सीट्स और वॉश बेसिन आपको यहाँ मिल रहा है, और एक अच्छे साइज का वॉशरूम यहाँ पे भी है। आइए अब आपको लेके चलते हैं थर्ड रूम ऑफ द अकोमोडेशन में। ऑलमोस्ट जितने भी आपके रूम्स हैं वो सारे क्लियर रूम्स हैं, वार्डरोब्स आपकी सारी अलग है, रूम के साइज के बाहर आ रही है। आइए चलते हैं अब थर्ड बेडरूम में। नाउ दिस इज योर थर्ड बेडरूम, अगेन नाइस स्पेस आपके पास फ्रंट में बच रहा है एक पूरा बेड प्लेस करने के बाद, और आपकी जो अगेन जो वार्डरोब है वो सारी आपकी वॉल के अंदर चलेगी, तो आपका जो रूम का एरिया है वो सारा क्लियर है, वार्डरोब इधर आ गई, और साथ में यहाँ आ जाता है हमारे पास एक अच्छे साइज का वॉशरूम। अगेन आपको वॉशरूम में टाइलिंग अप टू सीलिंग मिल रही है, साथ में वॉश बेसिन, वॉल हंग सीट्स, और इस तरफ आपके पास एक बहुत बड़ा बाथिंग एरिया आ जाता है, जिसको आप अगर सेपरेट करना चाहें कर सकते हैं, वेट पार्टीशन या कोई भी पार्टीशन आप लगा के कर्टन पार्टीशन, आपका वेट एरिया काफ़ी अच्छा यहाँ बन जाता है। वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे आपके पास डक्ट और विंडो है। और अब इसके साथ में हमें मिलती है इस तरफ सेम बालकनी जो हमारे फर्स्ट रूम के साथ जा रही थी, तो ये बालकनी का साइज भी आप देख चुके हैं काफी अच्छा साइज है, कॉमन बालकनी वहां आ गई, तो आपको यहाँ ऑलमोस्ट 3 अच्छे साइज की बालकनी ऑफर हो रही है, और ये फॉयर की वजह से आपके सारे रूम्स में प्राइवेसी भी है।
यहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी स्पेशियस है, सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारी एडवांटेजेस आपको मिल रही हैं क्योंकि यहाँ पे रेडी टू मूव इन अमेनिटीज़ आपको ऑफर हो रही हैं। मल्टीपल हाईवे के साथ आप कनेक्टिव हैं, अंडर 5 मिनट्स ड्राइव में पटियाला हाईवे, चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे, PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है वो बिल्कुल पास में है, एरो सिटी मोहाली और नॉन पोल्यूशन जोन मोहाली का जो है इंडस्ट्रियल जोन, वहाँ से आप बिल्कुल 5 से 10 मिनट की ड्राइव में कनेक्ट करते हैं। स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अच्छे लेवल की वो आपको अंडर 10 मिनट्स ड्राइव यहाँ फॉल कर रही है, मार्केट्स हैं और सोसाइटी के अंदर मल्टीपल टीयर्स ऑफ सिक्योरिटी आपको ऑफर हो रहे हैं, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ आपको यहाँ मिल रही हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, क्लब हाउस हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे वो आउटडोर अमेनिटीज़ हो जिसके अंदर किड्स प्लेइंग एरिया है, एल्डरली सिटिंग जोन है, बहुत बड़ा पार्क आपको सोसाइटी के अंदर मिल रहा है, आपने वीडियो में देखा होगा, वो सारी अमेनिटीज़ मिला के लगभग 81 लाख के ऑनवर्ड्स हमारे पास यहाँ अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इसी बजट में अकोमोडेशन देख रहे हैं तो वी हैव मोर ऑप्शंस फॉर यू, काइंडली कॉल अस टुडे फॉर अ साइट विजिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।